सीजीआई चंद्रचूड़ ने लिया ईवीएम पर बड़ा फैसला, बोले आप जानते हैं कि यह कब हैक हो जाएगा, जाने क्या है पूरा मामला। ईवीएम को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी कभी भी कोई मुख्य चुनाव नहीं हारेगी, एकाध दो राज्यों में जानबूझकर हार जाती है ताकि लोगों को शक न हो, विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है। और मामला इतना बड़ा कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो चौंकाने वाला है। आपको क्या लगता है, जो सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने ईवीएम को लेकर जो कुछ कहा है आप उसे कितने सहमत हैं? आपको पूरी बात बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें ईवीएम के सॉफ्टवेयर की ऑडिट कराने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि ऐसा कुछ उनके सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा निर्वाचन आयोग पर चुनाव नियंत्रण की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा, ईवीएम सोर्स कोड से ही चलता है और लोकतंत्र के संबंध में है। याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता सुनील अहिया ने ईवीएम के सोर्स कोड का स्वतंत्र ऑडिट कराने का अनुरोध संबंधी पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष दिए थे। अहिया ने कहा ईवीएम सोर्स कोड से ही चलता है और ये लोकतंत्र के संबंध में है। कभी सबसे पहले बीजेपी ने किया था विरोध, 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा तब पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पोस्टमार्टम। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भाजपा नेताओं ने खुद कभी किताब में उठाए थे सवाल। इस किताब की प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी और इसमें आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नहीं, पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा है मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है, लेकिन अब मौजूदा विवाद के बाद इस मुद्दे पर जीवीएल नरसिम्हा राव कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। हालांकि वे ये जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में 2010 के ही उस मामले का जिक्र कर विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरिप्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर जेलेक्स होल्डरमैन ने बताया था कि मोबाइल फोन से संदेश भेजकर ईवीएम मशीन के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। होलसेल फ्रॉड संभव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटें पर कांग्रेस ने जीत हासिल की जो संभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता ने 2004 में उठाया था। तो ईवीएम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।